आज मैंने शेव कराई है, शेव नहीं ट्रिमिंग की है, तो कमेंट में बताना कैसा लग रहा हूँ। गाली वाली मत दे देना यार। आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग अबाउट। नंबर वन, सबसे पहले तो बहुत ही हार्ड ट्रूथ, बहुत ही रियल फैक्ट बताऊंगा कि थोड़ा पहले नीचे कर लूँ इसको। तो बहुत ही रियल चीज बताऊंगा। देखो, रियल चीज ये है कि सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोलता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे फेसबुक पे हो, तो इट्स नेवर ऑलवेज 100% ट्रू, कभी भी नहीं। ओके, एंड दैट इज, वो मेरे को सबसे ज्यादा फेक चीज लगती है पर्सनली। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कैसे चीज बताऊं, क्योंकि दीज इन्फ्लुएंसर्स हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, और जब वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स जरूर मानते हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, सब अपने आप को अच्छी फिगर दिखाने के लिए या फिर अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं, लेकिन कोई, मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव साइड नहीं दिखाता, एंड दैट इज वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग, जहाँ पे मेरे को लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए। आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। द थिंग इज कि लोग या यूट्यूब पे आप देख लो, जो भी ऑडियंस है, जो भी यंगस्टर्स हैं, कुछ भी, तो वो देखते हैं, तो हम या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं, मेरे को भी मिला के लेट से मैं काउंट कर लूँगा, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ। That I, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉग में मेरे को ये बताना था कि फ्रॉम पास्ट टू वीक्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करी थी 3 हफ्ता पहले, एंड एक हफ्ता मैंने बहुत अच्छा हार्डवर्क किया, मतलब पूरे एक हफ्ता मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा, एंड ड्यू टू सम बिजनेस कमिटमेंट्स एंड अदर स्टफ, बाकी कमिटमेंट्स थे, तो मैं थोड़ा लैग कर रहा था फिटनेस में या फिर वर्कआउट नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, तो मेरा वो छूटना स्टार्ट हो गया 1 डे 2 डे। मैं सोचता रहा कि कोई बात नहीं, मैं कोप अप कर लूँगा, मैं वापस से स्टार्ट करूँगा, मतलब वापस से नहीं, मैं कर लूँगा इसको, एडजस्ट कर लूँगा, एंड आई केप्ट ऑन लूजिंग इट। ओके, सो इट्स बीन 2 वीक्स एंड आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय एंड नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी। जो आपको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या जो यूट्यूबर्स कुछ भी बोलते हैं, दैट जो भी आपके सेलिब्रिटीज या एथलीट्स हैं, वो बोलते हैं कि दे डू हार्ड वर्क 24/7 या पूरे 100% कमिटमेंट देते हैं, दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग, दे डोंट डू दैट। यस, दिस इज द हार्डेस्ट ट्रुथ। तो ऑल आर ह्यूमन, हर ह्यूमन को रेस्ट चाहिए, सबको चाहिए, कोई भी इतना परफेक्टली नहीं कर सकता, एंड सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, टेलिंग यू दैट अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है और ये, इसने बोला है कि हमें कमिटमेंट दिखानी चाहिए या 100% बिल्कुल फोकस रखना चाहिए या डेडिकेशन के साथ करना चाहिए या हमें एक दिन भी गैप नहीं लेना है, तो यू डू दैट, आप मेहनत करते हो एक दिन, एंड देन यू फील लेथार्जिक, यू फील दैट एक दिन, और कई गलती से तुम्हारा एक दिन गैप हो जाता है, हो गया, अब तुम्हारा एक दिन गैप हो गया और तुम सोचोगे कि यार मैं तो इतना कैपेबल हूँ ही नहीं, मैंने तो एक दिन गैप ले लिया यार, मैं उस इंसान को जिसको मैं आइडियलाइज करता हूँ, वो तो बिल्कुल जिम से बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता, बिल्कुल ऐसे नहीं करता, वो तो ऐसा बोलता है और मैंने यार एक दिन छुट्टी ले ली, सो आई एम नॉट दैट मच गुड एज हिम। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बंदा भी जिम से छुट्टी लेता है, वो बंदा भी कभी ना कभी रेस्ट करता है, लेकिन वो बताता नहीं है। ओके, कभी उसका भी मन करता है जिम से छुट्टी लेने का, कभी उसका भी मन करता है, ही डोंट वांट टू डू वर्कआउट। ओके, तो वो चीज उनको बताता नहीं, बिकॉज दे थिंक दैट कि हम ये चीज बताएंगे कि आज मैं डिमोटिवेटेड रहा, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में आपने हमेशा देखा होगा कि मैं हमेशा डिमोटिवेटेड रहता हूँ। यस आई डू, यस आई डू, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो
इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो डीमोटिवेशन भी आएगी. ओके, तो क्विट नहीं करते हम. मैं पॉज लेता हूँ, ठीक है, क्विट नहीं करता कभी वो. तो तुम उनकी बात सुनो, वो पॉज भी लेते हैं लेकिन वो कभी बताते नहीं है. ओके, सो टेक पॉज एंड डू द वर्कआउट. दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, दिस इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस व्लॉग टुडे. ओके, मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि ओके, वन मोर थिंग, मेरी फिजिक देखो, कहीं पे आपको ऐसा इतना कुछ मेरे लॉस हुआ, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं एक हफ्ता वर्कआउट नहीं किया मैंने, या दो हफ्ते वर्कआउट नहीं किया तो मेरे को इतना मसल लॉस हुआ, या फिर मेरी इतनी गेंस में लॉस हुआ, तो ऐसा नहीं होता. दो दिन, तीन दिन, चार दिन तुम अगर नहीं भी जाओगे तो कुछ नहीं होता. इट्स कंप्लीटली नॉर्मल मैन. ओके, और दूसरी बात मेरे को ये बोलनी थी कि कोई भी किसी भी इंसान की जेनेटिक्स एक जैसे नहीं होते. ओके, तो अगर तुम किसी इंसान को देख रहे हो, किसी को आइडोलाइज कर रहे हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, तो उसकी फिजिक अगर 50 दिन में अच्छी बन रही है, ठीक है, अगर वो 50 दिन में ऐसी फिजिक बना रहा है, वही डाइट प्लान दे रहा है, वही डाइट प्लान फॉलो कर रहा है या वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे उस 50 दिन में उससे भी ज़्यादा अच्छी फिजिक हो. और ये भी हो सकता है कि उस 50 दिन में तुम्हारी फिजिक में बहुत कम चेंजेस आए. तो ये चीज मान के चलना, ठीक है. इससे मैंने देखा है बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी ये कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों. इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ऐसा होता है. वो इंसान जो 50 दिन में अच्छी फिजिक बना रहा है, मे बी वो उतना शार्प नहीं होगा मेंटली जितना आप हो गए. सो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स. Sometimes you are gifted in something, sometimes that guy is gifted in something. So, it's always different things. You're good at different thing, he's good at different thing. Don't compare yourself. Fitness is a way of life. You are not here to compete with anyone. You are here to compete with your laziness, with your own health problems. These things you have to compete. Okay? अपने अंदर की जो गंदगी है उसको कम करने के लिए हम फिटनेस फील्ड में आते हैं या फिटनेस करते हैं या कुछ भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं. ओके, कंपीट विद योर ओन सेल्फ. तो आज के लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया. एंड एक तीसरी अपडेट मैं ये दूंगा कि अब आगे से, मैंने बोला था मैं 12 वीक में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, आई वोंट बी एबल टू डू इट. मैं 12 हफ्ते तक बिल्कुल कंसिस्टेंटली नहीं कर पाऊंगा. ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग अ 6 वीक शॉर्ट पीरियड, 6 वीक हार्ड इंटेंसिव वर्कआउट, और मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि मैं 6 वीक, तो 6 वीक के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा गिव इट, मैं सब कुछ दूंगा, और एक हफ्ते का बाद में ब्रेक लेके फिर उसके बाद फिर 6 वीक. तो आई कैन डू लाइक दैट. हर एक इंसान अपने तरीके से कर सकता है, मैंने अपने तरीके से ये चीज कर ली है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अबे साले नहीं, तो अभी करते हैं वर्कआउट. ओके, तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.
दो वीक से वर्कआउट नहीं किया ओके सो दिस इज गुड थिंग अबाउट बीइंग नेचुरल ओके कि अगर आप दो हफ्ते वर्कआउट नहीं भी करेंगे स्टिल आपकी बॉडी में चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मसल लॉस ज़्यादा नहीं होगा यस दिस इज द गुड थिंग अबाउट बीइंग नेचुरल बॉडी कम ग्रो होती है लेकिन अच्छी ग्रो होती है इतनी भी अच्छी नहीं है बट गाइस मेरा ना पूरा ब्लैकआउट हो रहा है क्योंकि मैंने दिन में कुछ इतना खाया नहीं और वर्कआउट में बहुत बहुत इंटेंस कर रहा हूँ इस वजह से आपको भी ऐसा होगा यू विल फील ब्लैकआउट गेट हाइड्रेटेड कोई बात नहीं वर्कआउट करने से पहले एक केला ज़रूर खा लेना अगर इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हो मैंने कुछ नहीं खाया बट आई कैन गो थ्रू इट पानी पी के आऊँगा नल कंप्लीट द सेट्स If I can do it, you can do it too. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ब्लॉग अच्छा लगा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में ओके बाय लव यू ऑल